अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे, डिटेल भी बताएंगे आपको न्यू से T12 प्रो मैक्स मॉडल की, जो कि मेटल बॉडी के अंदर है, बिल्टन मेटल बॉडी के अंदर है, डॉल्बी सपोर्ट है, वाईफाई डोंगल इसके साथ है। और इसकी अनबॉक्सिंग भी करेंगे हम आपको, इसके सॉफ्टवेयर पीस के अंदर हम आपको करके बताएंगे कि इसमें आपको क्या क्या फीचर मिलते हैं, क्या क्या नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसके अंदर बॉक्स के ऊपर ये बॉक्स का प्रिंट है, इसमें आपको न्यू सेट की बैजिंग मिल जाएगी, T12 प्रो मैक्स मिल जाएगा, यूट्यूब DVB-S2 4K फुल HD ऑल ऑडियो सपोर्ट है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया डॉल्बी डिजिटल सपोर्ट करता है ऑडियो, तो इस भी है। इसके अंदर USB मल्टीमीडिया के लिए भी है, सॉफ्टवेयर के लिए भी इसमें सपोर्ट है, वाईफाई डोंगल इसके साथ है, वाईफाई सपोर्ट भी करता है। और इसमें 3D रेडी लिखा हुआ जो कि काम नहीं करता है, नेटफ्लिक्स HDMI डॉल्बी डिजिटल प्लस IPTV अपोलो इसके अंदर मौजूद रहेगा, H265 है, फुल HD 1080 डिजिटल सेटेलाइट रिसीवर, ये इसके स्पेसिफिकेशन फीचर है। मैं आपको बताता हूँ, DVB-S2 सेटेलाइट कंप्लेंट इसमें सपोर्ट करता है, MPG-2 MPG-4 H265 सी बैंड सेटेलाइट SCPC MCPC रिसीवेबल फ्रॉम KU एंड सी बैंड, KU बैंड यूनिवर्सल सिंगल सिंगल S एंड सी बैंड वाइड बैंड LNB कंपेटेबल, कॉड रेट इसका 1/2 से लेकर 9/10 तक है। इसके अंदर डाई6 सपोर्ट करता है, 1.0 से लेकर 1.3 तक यूनिकेबल सपोर्ट करता है, ये आपका ब्लाइंड सर्च सपोर्ट है, मल्टी सेटेलाइट सर्च है, इसके अंदर नेटवर्क सर्च है, मैनुअल सर्च है, पाल NTSC वेरिएबल एस्पेक्ट रेशियो इसका 4:3 से लेकर 16:9 तक है, स्क्रीन का साइज, पेन एंड स्कैन वेक्टर लेटर बॉक्स ऑप्शन भी है, आउटपुट रेजोल्यूशन है इसका है 480p 60Hz से लेकर 1080p 60 और 50Hz तक है, OSG सपोर्ट टाइम फुल टाइम कलर 32 बिट 720x से लेकर 720 1280 कन्फिगरेबल, स्टोरिंग मेमोरी इसकी मोर देन 100 सेटेलाइट 1000 ट्रांसपोंडर 8000 चैनल 32 एंड मोर फेवरेट ग्रुप एंड पेरेंटल लॉक सपोर्ट, फेवरेट ग्रुप 8 डिलीट सपोर्ट प्रोग्राम लॉक, मल्टी लैंग्वेज मेन्यू इंग्लिश जर्मन रशियन अरबिक हंगेरियन सपोर्ट, मल्टी EPG लैंग्वेज, मल्टी ऑडियो लैंग्वेज सपोर्ट करता है, मल्टी DVB सब टाइटल आउटपुट सपोर्ट करता है। नाउ नेक्स्ट डेली वीकली इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड, मल्टी EPG सपोर्ट करता है, टेलीटेक सपोर्ट आउटपुट OSD सॉफ्टवेयर एंड एडिशनल डेटा अपग्रेड थ्रू USB एंड USB 2.0 इंटरफेस। हम इसकी अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाते हैं इसमें बॉक्स के साथ कंटेंट क्या क्या आपको मिलता है। बॉक्स ओपन करते ही सबसे पहले आपको मिल जाता है इसका रिमोट कंट्रोल, और रिमोट कंट्रोल के साथ ही इसके अंदर इसकी वाईफाई की डोंगल भी इसमें है अवेलेबल, ये इसकी वाईफाई की डोंगल इसके साथ मौजूद है आपको। ये वाईफाई डोंगल, ये इसका रिमोट कंट्रोल, और इसमें HDMI केबल मिल जाती है जो कि फुल साइज़ की अच्छी बात है। जैसे कि लोकल फिटिंग है, लोकल पैकिंग है, तो इसके साथ बैटरी सेल अवेलेबल इसके अंदर नहीं है बॉक्स में। ये आपका बॉक्स है, इसमें वॉल्यूम इसका पावर का बटन है, चैनल अप डाउन का बटन है, पावर सिग्नल IR ब्लास्टर सपोर्ट इसमें है, मेटल बॉडी है, नॉर्मल साइज़ का रिसीवर है, इसलिए इसमें ऑडियो वीडियो भी है, सप्लाई भी है, अडाप्टर नहीं है, वायर के थ्रू है, इसमें HDMI केबल है,
दो अदद यूएसबी इसमें पोर्ट है और डिश सेटेलाइट एंटीने का इसमें वायर भी लगता है। अब हम आपको इसमें बताते हैं, इसके अंदर आपको मिल जाता है 15 मंथ का फॉरएवर सर्वर, 1 मंथ का इसमें अपोलो आईपीटीवी। अब हम इसको अपग्रेड करते हैं, फिर हम आपसे बताते हैं इसके अंदर इसके डिस्प्ले का मेन्यू कैसा आता है, अपग्रेड होने के बाद इसका कैसा मेन्यू आता है। बॉक्स ओपन करते हैं, रिसीवर ओपन करते हैं, आपको ऐसा डिस्प्ले नहीं मिलता है। ये अंदर आया है एक्सटेंशन में जाके इसको पहले हम अपग्रेड कर लेते हैं रिसीवर को। इसको हम अपग्रेड करके आपको दिखाते हैं, ये अपग्रेड इसका ऑनलाइन आपको अपग्रेड किसी वेबसाइट पे नहीं मिलेगा क्योंकि ये लोकल मेड है। तो हम आपको जिस भाई को भी चाहिए हो हमसे उसका सॉफ्टवेयर लिंक भी ले सकता है, बाकी इसके अंदर ऑप्शन आए तो उसमें से भी आप इसको अपग्रेड ऑनलाइन कर सकते हैं। ये अपग्रेड हो रहा है रिसीवर, आप अपग्रेड होने के बाद इसका मेन्यू आता है। अच्छा, क्योंकि हम इसको फैक्ट्री रीसेट नहीं कर सकते, फैक्ट्री रीसेट करने के लिए इसके अंदर लाइन ओपन हो जाएगी कि ये रिसीवर अभी फ्रेश है, बिल्कुल न्यू है, इसलिए हम इसको फैक्ट्री रीसेट नहीं कर सकते। फैक्ट्री रीसेट करेंगे तो हम इसकी लाइन एक्टिव हो जाएगी। ये इसके अंदर इसमें सेटेलाइट 43 सेटेलाइट इसमें कंपनी सबसे मौजूद हैं, ट्रांसपोंडर है, यूनिवर्सल का ऑप्शन है। अच्छा, यहाँ पे स्टार्ट सर्च के अंदर सेटेलाइट है, ट्रांसपोंडर है, मल्टी सर्च है, ब्लाइंड सर्च है। बहुत सौ का सवाल है कि इसमें यहाँ पे नीचे कोई बटन का ऑप्शन नहीं आता सर्चिंग के लिए, तो जिस ऑप्शन को भी आप इसमें सेलेक्ट करेंगे ट्रांसपोंडर मल्टी को, उस पर आपको ओके करना पड़ेगा। ओके करेंगे तो इसमें सेटेलाइट का सर्च, ये सर्चिंग चैनल सर्च होना शुरू हो जाएगा। ये यूजुअल सेटिंग है इसकी, आप इसको मैन्युअली डायरेक्शन भी आप इसमें सर्च कर सकते हैं। चैनल सर्च है, चैनल मैनेजर है इसके अंदर, एडिट चैनल वगैरह का ऑप्शन है। इसकी सेटिंग है, ये सिस्टम सेटिंग, यहाँ पे इसकी आप लैंग्वेज P2Q मोड है, डिले है, अपडेट CFG यूट्यूब की है, IPTV रेजोल्यूशन इसमें आप सेट कर सकते हैं, ब्लैंक फ्रंट पैनल, चैनल का कलर चेंज इसमें आप कर सकते हैं, ऑप्शन तो बहुत है, OSD ट्रांसपेरेंसी, HDMI मोड, रेजोल्यूशन आप इसमें यहाँ पे इसके सेट कर सकते हैं। यहाँ इसमें आप CMX की सेटिंग भी इसकी मौजूद है जो कि आप इसको ऑन कर सकते हैं। पैरेंटल कंट्रोल है, अबाउट STP है, नेटवर्क स्कैन का ऑप्शन इसमें मौजूद है, वायरलेस की सेटिंग है। यहाँ अभी हमने इसमें वाईफाई की डोंगल इसमें अटैच नहीं करी, अभी हम अटैच करेंगे तो इसमें वाईफाई के ऑप्शन भी सारे शो हो जाएंगे। ये इसमें ब्लूटूथ का ऑप्शन भी मौजूद है, नेटवर्क है, यहाँ पे सर्वर का ऑप्शन आएगा जब हम इसको फैक्ट्री सेट करेंगे। नेटवर्क एप्लीकेशन जो कि अभी हमने वाईफाई कनेक्ट नहीं करा है तो हमने इसलिए नेटवर्क एप्लीकेशन इसमें शो नहीं होगी। ये एक्सपेंशन का ऑप्शन है, ये सारे मैंने आपको ऑप्शन बता दीजिए। जिस भाई को परचेज करना हो हमसे रब्ता कर लीजिए, होलसेल रेट के अंदर आपको मिलेंगे, हर चीज़ आपको होलसेल रेट पे मिलेगी। इवन रिसीवर ही क्या, 12 वोल्ट का आइटम हो, चार्जर हो, बैटरी चार्जर हो, इन्वर्टर हो, बैटरीज हो, एक्स्ट्रा एक्सेसरीज आइटम हमारे पास आपको हर चीज़ अवेलेबल है। मज़ीद और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को आप क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।